हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा न्यू वीडियो में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है महासप्तमी और आप सभी को महासप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग आए हैं गोलपहाड़ी पंडाल, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना था। ये देखिए पंडाल किस तरह से बना था। हम लोग अंदर नहीं एंटर किए क्योंकि बहुत भीड़ लगा था। ये देखिए पंडाल कुछ इस तरह से बना था। फिर उसके बाद हम लोग आ गए काशीडी। ये वाला पंडाल भी बहुत ही खूबसूरत बना था। तो यहाँ भी भीड़ था, फिर भी हम लोग लाइन लगाए और अंदर एंटर किए। चलिए अंदर घुसते हैं। अभी अंदर एंटर कर चुके हैं और अंदर में कुछ जंगली जानवर का थीम से पंडाल बना है। ये देखिए ऐसे बना है पंडाल, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जंगली जानवर सबसे बना है, ये देखिए। ये पेंगुइन है। ये जंगली जानवर का थीम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप लोग काशीडी नहीं आए तो एक बार जरूर आइएगा। इधर है मंकी, डियर, बियर, चीता, ये सब। उसके बाद हम लोग आगे माता रानी का दर्शन करने। प्रतिमा भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और पंडाल के अंदर बहुत ही यूनिक काम से बना हुआ था। फिर हम लोग आगे हैं कदमा। यहाँ पर भी बहुत भीड़ लगा हुआ था तो हम लोग अंदर नहीं घुसे। ये देखिए कुछ इस तरह से पंडाल बना था कदमा में। फिर हम लोग आगे हैं बारीडी। यहाँ पर भी बहुत ही भीड़ लगा था, फिर भी हम लोग लाइन लगा के अंदर एंटर कर चुके हैं। और ये देखिए माता रानी का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए मेरे साथ साथ। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एग्रीको। ये पंडाल भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा था तो हम लोग लाइन लगाए और अंदर एंटर करेंगे। अभी हम लोग लाइन में जा रहे हैं और आगे ये देखिए मेरी लड़की जा रही है। तो ठंडा भी लग रहा था तो उसको टोपी पहना दिए। ये देखिए हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं और माता रानी का दर्शन भी हो गया। और ये देखिए पंडाल के अंदर कुछ इस तरीके से बना हुआ था। हम जब भी पंडाल के अंदर एंटर करते हैं तो ऊपर तरफ देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं बिरसा नगर, जहां चंद्रयान 3 का थीम से पंडाल बना था। ये पंडाल ही हम लोग लास्ट देखे, फिर हम लोग आ गए घर वापस। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।